उम्मलपुर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस जादू की रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए ऐसे एक बड़ा वाला रसा और दो ऐसे रसे का टुकड़ा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, इस रसे को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर ऐसा मोड़ करके इसके अंदर से एक रोप का टुकड़ा इस तरह से हुक बना करके डाल देना है इसमें, और इस रस्से का दूसरा एंड जो लंबा वाला एंड है उसको भी इसको यहाँ ले करके पकड़ लेना है और उसको थोड़ा इस तरह से खींच लेना है, और ये जो रस्से का टुकड़ा है इसको यहाँ पर डाल देना है इसे, और ये टुकड़े को पकड़ करके बराबर कर देना है और इसे खींच लेना है। अब ये बराबर हो गया। अब क्या करना है, ये तीनों को लेकर के यहां पर एक गांठ बांध देना है इसे। जब इसको गांठ बांधते हो तो ये जो हुक है बनाया हुआ इसको इसके अंदर छुपा देना है ऐसे। उसी तरह से दूसरा एंड में भी इसे एक गांठ बांध देना है,
और इसका भी जो हुक बनाया हुआ है ये हुक इसके अंदर छुपा देना है ऐसे। तो प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो रस्सा इस तरह से बंधा होता है। अब इसको खोल लीजिए, जब इसको खोलेंगे तो ये जो हुक है ये हथेली के अंदर आ जाएगा। खोल दीजिए इसे और इसके अंदर से जो सिंगल रस्सा है उसको पहले इस तरह से ले लीजिए, ये उंगलियों के बीच में कर दीजिए इसको, और दूसरा रोप को पकड़ने के बहाने यहाँ पर ले आइए और ये दोनों को इकट्ठा ऐसा पकड़ लीजिए, इसको बाएं हाथ में ले लीजिए। अब ऑडियंस क्या सोचेंगे, ये दूसरा वाला रस्सा हाथ में लिया, अब इसको तीसरा वाले को भी ले लो और ये सिंगल वाले को छोड़ दो। अब इसको लेकर के इसको हाथ बदलते समय ध्यान रखना ये इस तरह से नहीं आना चाहिए, ये हुक पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा पकड़ लिया, अब इसके ऊपर सबसे पहले एक फॉल्स नॉट बांधना है। फॉल्स नॉट मतलब इसको लेकर के ऐसे ले लीजिए और यहाँ से लेकर के इसको अंदर कर दीजिए और ये फ्री हो जाएगा इसे। अब अगला जो गांठ है दूसरा बार जब बांधेंगे तो असली गांठ जो है बांध देना है, ऐसे दिखा देना है। अब दूसरा वाला एंड पे आता है, इसको भी उसी तरह से खोलना है। जब खोलते समय ये हुक इसके हथेली के अंदर छुपा होना चाहिए और सिंगल वाला जो रस्सा है उसको लेकर के छोड़ दीजिए नीचे ऐसे। अब सेम तरीके से इसको एक फॉल्स नॉट मार दीजिए पहले, उसके बाद एक असली गांठ, इसको भी दिखा दीजिए। अब इसको लेकर के ये नॉट को हमें पकड़ना है और ऐसा नहीं, इसको इस तरह से लेकर के एक बार ऐसे खींच लेना है, क्योंकि इसको हमें पामिंग करना है, इस तरह से पामिंग करना होगा। उस टाइम पर ये दोनों अलग अलग दूर रहेंगे तो हमें दिक्कत होगा इसको, इसलिए इसको थोड़ा नज़दीक रखने के लिए ये करता है। और ये डब्बा लेकर के इसे छिड़क दीजिए इसे। अब दूसरा गांठ उसी तरह से ऐसा नहीं ऐसे थोड़ा खींच लीजिए, ये नज़दीक आ जाएगा और फिर इसके ऊपर छिड़क दीजिए थोड़ा। अब इसको लेकर के एक बार दिखा दीजिए और यहाँ लेकर के हाथ को इस तरह से ले आना है, ऐसा ले आ करके जब यहाँ पर आते हैं तो इसको लेकर के यहाँ पर पामिंग कर दीजिए ऐसा, और इसको ऐसा घुमा करके यहाँ पर रख दीजिए और इसको खींच करके नीचे ले आइए। जब यहाँ आने लगता है तो ये उंगली यहाँ पर कर दीजिए पहले की तरह, और नीचे जब आता है तो इसको लेकर के इसको भी साथ लेकर के यहाँ पर पामिंग कर दीजिए और इसको मोड़ करके यहाँ पर रख दीजिए और इसको ले लीजिए इसे। अभी इसको लेकर के यहाँ कर दीजिए, एक बार ऐसे इशारा कर दीजिए, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पामिंग किया हुआ है उसका पता ना लगे। अब पॉकेट में हाथ डाल करके इसको अंदर छोड़ दीजिए और ये लेकर के थोड़ा छिड़क दीजिए और रसा एक एक करके खोल कर दिखा दीजिए।